डे 31 से लेकर डे 40 तक हम डिफरेंट फंक्शंस को यानी कि डिफरेंट इमोशंस को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं। तो अब तक हमने काफी इमोशंस को काफी एक्सप्रेशंस को इंग्लिश के स्पोकन सेंटेंसेस के थ्रू सीखा है। आज भी हम तीन इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस को इंग्लिश सेंटेंसेस के थ्रू सीखेंगे ताकि हम कभी इस टाइप की सिचुएशन में आते हैं तो हम अच्छे से अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। तो आज के हमारे तीन टॉपिक्स हैं निगेशन यानी कि निषेध यानी कि मना कैसे करते हैं, अपनी सहमति यानी कि कंसेंट कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि मैं सहमत हूँ इस बात से, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश में। तीसरी बात, अगर हमें दुख होता है व्हेन वी आर सैड, हाउ डू वी शो दैट थ्रू आवर स्पोकन इंग्लिश। इफ यू आर न्यू, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई इंग्लिश बिकॉज आई कीप पोस्टिंग अ वीडियो एवरी डे ऑन स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। लेट अस बिगिन विद डे 38। शुरुआत करते हैं हम निषेध यानी कि निगेशन सेंटेंसेस के साथ जिसमें ना आता है, नो आता है। मैं आपका कहना नहीं मान सकता। आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन। ऐसी शरारत फिर ना करना। डोंट डू सच अ मिस्चिफ अगेन। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट सो। उसे छुट्टी नहीं मिल सकी। ही कुडंट मैनेज टू गेट लीव। मुझे कोई शिकायत नहीं। आई हैव नो कंप्लेंट्स। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट। ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, इट कांट बी सो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। नो, आई कुडंट गो। मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। कुछ नहीं, नथिंग। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डू दिस? मुझसे ये काम नहीं होगा। आई कांट डू दिस। मैं नहीं मानता। आई डोंट अग्री। आई डोंट बिलीव। यह सच नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ दिस। दूसरों की आलोचना मत करो। डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। अपने धन का घमंड मत करो। डोंट बी प्राउड ऑफ योर रिचेस। डोंट बी प्राउड ऑफ योर मनी। किसी को धोखा मत दो। डोंट चीट एनीबडी। लंबी घास पर मत चलो। डोंट वॉक ऑन द टॉल ग्रास। जिद्दी मत बनो। डोंट बी स्टबर्न। मैं इसे खरीद नहीं सकता। सॉरी, आई कांट बाय इट। आई कांट अफोर्ड इट। मेरे पास रेजगारी नहीं है। सॉरी, आई डोंट हैव एनी चेंज। मैं गाना नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ टू सिंग। गुस्सा मत करो। डोंट बी एंग्री। डोंट लूज योर टेम्पर। किसी आदमी के साथ रूखा मत बोलो। डोंट बी रूड टू एनीबॉडी। डोंट स्पीक हार्शली विद एनीबॉडी। नाउ लेट्स कम टू सहमति यानी कि कंसेंट रिलेटेड सेंटेंसेस। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, As you please, आपका कहना ठीक है, you are right, मुझे कोई एतराज नहीं, I have no objection, I don't have any objection, कोई हर्ज नहीं, it doesn't matter, ऐसा ही होगा, it will be so, मैं आपसे सहमत हूँ, I agree with you, I am agree, बहुत लोग बोलते हैं, but that is completely wrong, please, जब भी आप किसी से सहमत हो और आप उस बात को भी मान रहे हो, तो आप बोलो, I agree with you, I am agree with you, no. I don't agree with you, ठीक है जब आप agree नहीं करते, लेकिन जब आप agree करते हो तो आप बोलो I agree with you, मैं आपके साथ हूँ, I am with you, हाँ ये सच है, yes it is true, मैं आपकी सलाह के मुताबिक काम करूँगा, I follow your advice, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, I accept your invitation, मैं इसके लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ, I give my consent to this, अपने पिता का कहा करो, do as your father says, मैं आपके ऊपर जबरदस्ती अपनी मर्जी लादने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पोज माई विल ऑन यू। तुम मेरे साथ सहमत नहीं लगते। यू डोंट सीम टू अग्री विद मी। नाउ लेट्स कम टू दुख यानी कि सैडनेस। क्षमा करें, माफ कीजिए, माफी चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, फॉरगिव मी, पार्डन मी, खेद है मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। आई एम सॉरी यू हैव टू सफर बिकॉज ऑफ मी। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। I'm very sorry to hear this. मेरी सहानुभूति आपके साथ है। My sympathies are with you. याद रखें, give का अर्थ है देना। आप देखिए prepositions का कमाल, यानी कि phrasal verbs with the verb give. Give up का अर्थ है त्याग करना। मौलाना अब्दुल
gave up all hopes of recovering from his illness. Maulana Abdul ne apni bimari se chutkara paane ki sabhi aashayein tyag di. Give in, haar maan lena. In spite of Akbar's large resources, Maharana Pratap refused to give in. Akbar ke adhik sadhanon ke bawajood, Maharana Pratap ne haar maanne se inkar kar diya. Isi prakar, give way, baithna, adhik bhaar se pull aadi ka. Give out, batana ya prakat karna. Give off, chhodna. Give ear, sunna. Give a piece of one's mind, jhidakna. Give oneself airs, shan bhagarna. Give chase, peecha karna. Give around, peeche hatna, aadi. Jin phrasal verbs ke sentences maine aapko nahi bataye hain, aap mujhe koi bhi ek phrasal verb chunkar ek sentence comments mein zarur bataiye, taki mujhe bhi to pata chale ki aap log padh rahe hain mere saath saath. Do comment with one sentence of phrasal verb. आप चाहे तो कोई और phrasal verb भी use कर सकते हैं give का, लेकिन verb give ही होना चाहिए. तो कल फिर मिलते हैं day 39 के साथ. Practice करते रहिए क्योंकि परसों है day 40 जो कि practice class है. तो हम कल फिर मिलते हैं day 39 के साथ. तब तक के लिए take care, stay safe and God bless. Bye.